माता जी के श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को न्योता दे दिया? जी हाँ सरकार, मैं खुद जो ब्राह्मण हूँ, न्योता लेना देना कभी नहीं भूलता। पूरे 19 ब्राह्मण बुलाए हैं धर्म कांटे में तोल के। 19? 21 क्यों? इसलिए कि ये ब्राह्मण भजन में ना सही पर भोजन में दो ब्राह्मणों के बराबर है। तुझे मार खाने के लिए और क्या, जब तक मेरी नन्ही सी बहन की आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ती मुझे चैन नहीं आता। आजा उतर नीचे मेरी नन्ही सी गुड़िया। आ जा जा जा, पहले मेरा चीनी घोड़ा ला दो। तो आ जा जाएगा ना, शहर से छज्जू को भेजा हुआ है। तो फिर तब तक तुम घोड़ा बनो। बना तो हुआ हूं। तो फिर चलो। राम 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 राम। बिटिया मैं किस लिए हूँ? लो मैं घोड़ा बनता हूँ। छोड़ो मुनीम जी, गला क्या घोड़ा बनेगा, ये कहीं ना धर्म कांटे में। अच्छा बेटे अब नहा धो ले, जब तक नाश्ता तैयार हो जाएगा। ईश्वर करे हमेशा तू इसी तरह हंसती खेलती रहे। सरकार औलाद की खातिर शादी ना करने वाले तो बहुत देखे हैं धर्म कांटे में तोल के, बहन की खातिर अपना सुख तज देने वाला एक आप ही को देखा है। अरे मैंने कौन सा सुख तजा है, मेरा सुख तो मेरी लाजो है। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। माधो छोटी सरकार अभी दे दूं नाश्ता। चल हट, मैं बनाती हूँ रोटी। ना ना छोटी सरकार, ये गजब ना करियो, ना ही तो बड़े सरकार मार मार हमार डबल रोटी बना दिया। अरे हट नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ छोटी सरकार, अरे दिखावा हो लाजो। हाँ जल गया जलियो। नहीं सरकार, जबरदस्ती रोटी पकात रहा, तनिक सेक लग गवा। सेक के बच्चे, तूने बच्ची को चूल्हे के पास जाने क्यों दिया? मैं तो अपनी बहन को तिनका ना तोड़ने दूं और तूने इसे रोटी पकाने पे बिठा दिया। अगर इसे कुछ हो जाए तो तेरा बाप जिम्मेदार था, बदतमीज कहीं का। खबर आ गई ऐसी मागत की तो। हाँ बेटा। ओ धनपत हरिया, हाथ को सेक तो ज्यादा नहीं लगा? नहीं बापू, ये लो ठीक हो गया। इतनी अच्छी बेटी है तू, बिन माँ की बच्ची को इतनी सी उम्र में कितना काम करना पड़ता है, थक जाती होगी। अपना काम करते हुए कौन थकता है बापू। शाबाश बेटा, बस जल्दी से तैयार हो जा। बापू मैं तो तैयार हूँ। रोकने पर भी क्यों पकाई तूने उसके लिए रोटी? तू स्कूल में क्या खाएगा? अरे वो स्कूल जाता तो रोना ही किस बात का था, मरने दे उस लोफर को भूखा। सारे गांव में चर्चा हो रहा है उसकी आवारा गर्दी का, ना जाने भैंस का कट्टा लेकर सुबह से कहां गायब हो गया। भैंस कट्टे के बगैर दूध नहीं दे रही, ये मरदूत पैदा ही ना होता तो अच्छा था। तो फिर मैं भैया किससे कहती? वो तो हुआ ना हुआ एक बराबर, मेरे लिए तो तू ही बेटी है और तू ही बेटा। बापू चल बेटी। मैंने कहा उस्ताद तुम्हारी कसम, आज तो हवाखोरी का दिन है, मगर इस घंटी के बजते ही स्कूल के हवालात में बंद होना पड़ेगा। उस्ताद दिखा दो फिर कुछ अपने उस्तादी। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है मैं दिखा दूं अपना चमत्कार, बना दूं शुक्रवार का इतवार? तो मजा आ जाए मेरे यार। अबे आ जाएगा, आओ मेरे साथ।
अरे भाई मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग आज यहाँ क्यों बैठे हो। आज तो छुट्टी है। छुट्टी तुम्हें होगी। अरे मुझे नहीं, सबको छुट्टी है। आज मास्टर जी नहीं आने वाले, उनके गाय को बछड़ा हुआ है। मास्टर जी की गाय तो है नहीं, भैंस है। भैंस है तो फिर कट्टा हुआ होगा, मगर हुआ जरूर कुछ ना कुछ है। आज मास्टर जी नहीं आएंगे, जाओ तुम अपने अपने घर जाओ। तुम लाख चिल्ला, पर जब तक मास्टर जी आगे नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। अरे कमाल हो गया, मास्टर जी को आए हुए यहाँ चार दिन नहीं हुए, उनके ऊपर इतना ऐतबार, और मैं जो यहाँ चार साल से इसी जमात में तपस्या कर रहा हूँ उसका कोई भरोसा ही नहीं। अरे ये तो मेरी शराफत है, वरना मैं चाहूँ तो मास्टर जी को खुद पढ़ा सकता हूँ। ये बात है तो मास्टर जी, ये तो बताइए कि सिकंदर और पोरस में लड़ाई कब हुई थी और क्यों हुई थी? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं? जो कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई तो मैं क्या करूं? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं? जो पी उठी पुट है तो भी उठी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। जो पी उठी पुट है तो भी उठी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। पढ़ाते हैं सब मुझको उल्टी पढ़ाई है, उल्टी पढ़ाई तो मैं क्या करूं? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं? जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। है जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। ये दूध में पानी मिलाता है भाई, ना आए मलाई तो मैं क्या करूं? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं? ये बी ये है लेकिन चलाए ये ठेला, ये एम में है लेकिन ये बेचे करेला। करेला भाई, ये भी ये है लेकिन चलाए ये ठेला, ये एम में है लेकिन ये बेचे करेला। अगर तीन दिन से ये भूखा है भाई, जो भूखा है भाई तो मैं क्या करूं? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं? बसंती तुम बताओ बेटा, एक तोले में कितने माशे होते हैं? बारह। और एक माशे में कितनी रतियां होती हैं? आठ। शाबाश, बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, आठ रत्ती का माशा, बारह माशे का तोला, पांच तोले की छटाक, सोलह छटाक का फेर और चालीस फेर का एक मन हो। राजो। जी मास्टर जी। बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? जी आप कह रहे थे चालीस मन का एक फेर। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? रुल्दू राम दस रुपए पंद्रह ने तीन पाई, बंता सिंह छह बीस, छह बीस करोड़ी मल महाजन उन्नीस रुपए तीन आने पांच पाई। अरे तू रो क्यों रही है? हाँ? किसी ने कुछ कहा तुझसे? मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मत जाना मत जाना, पर ये तो बता तू रो क्यों रही है? मुझे मुझे मास्टर जी ने मारा। मास्टर ने मारा? उसकी ये मजाल?
मुनीम जी अभी बुला कर लाओ उस बदतमीज मास्टर को जिसने चौधरी शंभुनाथ की बहन पर हाथ उठाया। जाओ जल्दी। बस बेटे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने इसे मारा नहीं चौधरी जी, बस जरा घूरा था, ये पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही थी। तुझसे किस बेवकूफ ने कहा कि लाजो पढ़ने जाती है स्कूल? मैं तो इसलिए इसे वहां भेजता हूं कि बच्चों में इसका दिल लगा रहे। तुम एक मामूली मास्टर चौधरी शंभुनाथ की बहन पर हाथ उठाओ? चौधरी जी मैंने तो इसके भले के लिए किया था। हमारा भला सोचने वाले तुम कौन होते हो? अपने औकात तो देखी होती, मेरे ही चंदे से स्कूल चलता है। आज चंदा ना दूं कल स्कूल बंद हो जाए, तुम भूखों मरने लगो। गलती हो गई चौधरी जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, लाजो से मांगो। लाजो से? हाँ मांगो। लाजो आज स्कूल नहीं जाएगी बसंती। मुझे मालूम है चौधरी जी, मगर छोटी सी बात के लिए बच्ची की पढ़ाई क्यों बंद करती है? क्यों पढ़ाऊं मैं लाजो को? क्या रखा है पढ़ाई में? कुछ भी नहीं। तू चुप रह गधे, तू क्या जाने पढ़ाई की कदर? चौधरी जी हमारा आपका वक्त नहीं रहा, जमाना बदल चुका है। अब तो इंसान बगैर पढ़ाई के दो कदम भी जमाने के साथ नहीं चल सकता। पैसे वाले तो जमाने से भी दो कदम आगे चलते हैं बापू। ये कहीं धर्म कांटे में तोल के कभी कभी बड़ी समझ की बात करता है कालू। गंगाराम जमाना 100 बार बदले पर धन का बोलबाला सदा रहा है और सदा रहेगा। ये कहीं धर्म कांटे में तोल के हाँ हाँ हा, लाख रुपए की बात कही चौधरी साहब, मगर समझने वाले के लिए। हम तो मोटी विद्या जानते हैं गंगाराम, दुनिया को झुकाने के लिए जर जोर और जमीन चाहिए, सो अपने पास है। और ये सब कुछ लाजो का ही तो है, फिर पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो रे किस्मत के खेल। ये कहीं धर्म कांटे में तोल के। मुनीम जी आपने इस मूर्ख की बात मान ली, विद्या तो जीवन की जोत है। एक बार फिर सोच लीजिए चौधरी जी, मैं मानता हूँ आप पर ईश्वर की दया है, पर आजकल बिना पढ़ी लिखी लड़की के लिए अच्छा बर मिलना इतना आसान नहीं। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा गंगाराम, इसलिए तुम पढ़ाओ अपनी बेटी को। मैं तो अपनी लाजो के लिए अच्छे से अच्छा बर दौलत से खरीद सकता हूँ। लखपति भाई की बहन है, लखपति के घर जाए। ये कहीं धर्म कांटे में तोल के। चल बापू अब स्कूल का वक्त हो गया, अच्छा लाजो मैं चले। चलो बेटा। 15, 2, 17 सब मिलके 17 रुपए 13 आने 6 पाई हुए। अच्छा तो फिर लगवा लो अंगूठा। आओ भाई। ए, चल हट, चल हट। ए लाजो चल ना, क्या कर रही है? चल ना री। अरे बेटा ये तेरा काम नहीं है, नौकर चाकर किस लिए है? चल री, चलते भी नहीं, चल ना हट, चल ना री। अरे चल, ये तो मेरे बात ही नहीं मानती। चल, कितनी बार कहा है लाजो ये तेरा काम नहीं है। ओ धनपत, ओ अरिया, लो भैया तुम तो मुझे कोई भी काम नहीं करने देते, अकेले बैठे बैठे जी भी तो नहीं लगता। ओ, इतनी जल्दी गुस्सा भी आ गया। अच्छा भैया मैं अभी आई। ओ कहाँ चली? बसंती से मिलने। आज राखी का त्योहार है, भैया को राखी नहीं बांधेगी? भैया पूजा की तैयारी कीजिए, मैं अभी आकर बांधती हूँ राखी। आलू 50 मन, मूंगफली मूंगफली 5 और 2 7 देख रे जीवन, हाथ होती है हर चीज की। आज आजा अपने गुंडापन से, वरना भैया से कह के गांव से निकलवा दूंगी। हाँ कमाल है लाजो, हद हो गई हद हो गई। खांसना भी कोई जुर्म है क्या? क्यों मुनीम जी? क्यों मुनीम जी, इस उम्र में कभी कभी खांसना भी जुर्म होता है चौधरी। लेकिन मैं तो बचपन से खांसता रहा हूँ। समझ में नहीं आता मेरे पिताजी की आंखें बंद होते ही लाजो के भाई ने रिश्ते की बात क्यों तोड़ दी। अजी हीरे की कदर गंवार क्या जाने, शहर में रहकर आप में लहर आ गई है। पहले आपको शराब का कब शौक था, पहले आप जुए से कब दिल बहलाते थे। चमको चमकू ने दुनिया देखी है चौधरी, आपके रईसाना गुण देखकर चौधरी शंभू आपसे जलने लगा है। कोई बात नहीं, मेरा भी नाम जीवन है जीवन। लाजो को जीवन साथी बनाओ तो जानू। अरे लाजू, ओहो त्योहार के दिन तो निगोड़ी पढ़ाई का पीछा छोड़ो,
पढ़ाई का पीछा छोड़ दूं तो पढ़ाई मुझे पीछे छोड़ दे। बड़ी आई पढ़ाकू। मैं पूछती हूँ मेले में नहीं चलोगी? चलूंगी पापा, जरूर चलूंगी। बसंती आई बापू। अरे लाजो तू यहाँ बैठी। राम राम चाचा। जीती रखो बेटी, ये ले चिट्ठी, अपने भैया को दे। पढ़ तू, भैया को भी तो किसी से पढ़ाना पड़ेगी। अरे सुना भी, पहले दिल पे हाथ रखिए। लिखा है चौधरी शंभूनाथ जी शिव शंभ, मैंने आपके कहने पर लाजो के लिए एक बहुत बड़े घर का लड़का देखा। बस हीरा है हीरा। बातचीत चल रही है, आप किसी और जगह बात पक्की ना करें। पत्र लिखवाने वाली ठाकर गई नायन। ले अब खिला मिठाई। पहले तू खिला, तेरी तो 10 दिन में शादी भी होने वाली है। कैसे हैं हमारे जीजा जी? मैं क्या जानू कैसे हैं। तेरी कसम, मुझे तो पढ़ाई की इतनी लगन है, कहीं बापू के पास पैसा होता तो मैं इतना पढ़ती के पागल हो जाती। अरे कालू भैया, तुम्हारी ये खुसर बुसर ने मेरी नींद खराब कर दी। तुम अभी तक सो रहे हो, इधर सूरज निकल आया। अरे सूरज बेकार है, वो आधी रात को निकल आए तो मैं क्या आधी रात को जाग पड़ू। अच्छा बसंती मैं चलूं, भैया को राखी बांधनी है। हाँ क्यों नहीं। अच्छा भैया अब तुम भी मुंह हाथ धो लो, राखी बांधो। मैं नहीं राखी बिखी बंधवाऊंगा, भाइयों से रुपया बटोरने का क्या घूर निकाला है तुम बहनों ने। अरे तेरा सत्यानाश, तू अभी तक यही बकवास कर रहा है। खोंचा लेके कब जाएगा बाजार में? बापू आज तो राखी का त्योहार है, अभी मैं स्नान ध्यान करके बहन से राखी बंधवाऊंगा और उसे चांदी का रुपया दूंगा। ला बापू रुपया। निखट्टू कहीं का। बस होगा स्नान ध्यान, बस अब राखी बांध। ये ले रुपया राखी का है? और ये रहा उधार मेरी तरफ। घबराना नहीं, अगली राखी पर चुका दूंगा बापू से लेकर। क्यों आज फिर गौरी से मिलने जाना है? देख बसंती, तुझे 100 बार कह दिया है, मुझे तंग मत किया कर। आज मजा आएगा मेले का। बंधवा ले मेरे वीर हो, राखी बंधवा ले मेरे।
लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, काली दास ऐसा जला काली रहन दास। कालो हाँ, कालो की गोली। अरे अरे, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आ गए? जाओ जाओ, कहीं बापू ना आ जाए, जाओ। तुम मुझे कच्चा प्रेमी समझती हो क्या? तेलू राम जी इस वक्त अपनी दुकान में वनस्पति घी बेच रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम आज मेले में क्यों नहीं आई? ये क्या, तुम तो मोतीचूर के लड्डू की तरह फूट पड़े हो। आखिर बात क्या है? सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। 16 तारीख को लड़का आ रहा है मुझे देखने के लिए अपने बाप के साथ। बापू ने मेरी बात पक्की कर दी। बापू कौन होता है तुम्हारी बात पक्की करने वाला? उसके बाप का माल है क्या? तू क्या कर लेगा? मैं क्या कर लूंगा, ये 16 तारीख ही बताएगी। मैं समझता क्या हूं तेरे बापू को? उसने मेरा मुंह देखा है लेकिन मेरे हाथ नहीं देखे। वो तेलो घी वाला है तो मैं पोस्टमैन का लड़का हूँ, बिना टिकट उसको पार्सल कर दूंगा ऊपर के डाक वाले। चुप रहो रे के बच्चे, मार उसको। बापू आ गए। बापू सचमुच बापू आ गए। गौरी मुझे छुपाओ, नहीं तो इन हाथों से उस बिचारे का खून हो जाएगा। अरे यानी यहाँ कौन था? यहाँ किससे बातें कर रही थी? बातें किसी से नहीं बापू, मैं तो आलू बना रही हूँ। आलू बना रही है या बाप को उल्लू बना रही है? चौधरी हाँ। बुरा मानो या भला, मुझे तो ये आलू की नहीं कालू की बू आ रही है, कालू की। ठंडू है, हो जा गरम। हो गया। तुम्हें कौन बचाता है? तुम? तो फिर वो लफंगा कहाँ गायब हो गया? चौधरी मैं चला, दरवाजा बंद कर लो, कोई लफंगा ना घुस आए। क्या हुआ दयाराम जी? ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? तुमने धोखा दिया है, लड़की का ऐब छुपाया है हमसे। मुंह संभाल के बात करो दयाराम जी, हमारी बच्ची में कोई ऐब नहीं है। मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है, गुणवंती है, सुशील है। और लंगड़ी भी। मैं ऐसी लड़की को बहू बनाकर अपने खानदान की नाक नहीं कटवा सकता। ऐसा मत कहिए, लड़की के पाँव में जरा सा कज है तो क्या हुआ? मेरा घर कोई यतीम खाना नहीं जो लंगड़े लूलों को जगा दूं। चलो भाइयों। दयाराम जी, आज एक गरीब बाप की इज्जत आपके कदमों में है, मेरा नहीं तो इस मासूम बच्ची की जिंदगी का ख्याल कीजिए, जिसके हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं सूखी। तुम्हारी बेटी की खातिर मैं अपने बेटे के गले में यह मुसीबत जिंदगी भर के लिए नहीं डाल सकता। इतने कठोर ना बनो दयाराम जी, जरा से कज के लिए अगर बेटी बिन ब्याही रह गई तो दुनिया में कोई बाप भगवान से बेटी नहीं मांगेगा। तुम्हारे ये आंसू मेरा फैसला नहीं बदल सकते गंगाराम। चलो भाइयों। गंगाराम की बेटी सारे गांव की बेटी है, गांव की इज्जत को मिट्टी में ना मिलाइए। अगर आप चाहें तो एक शरीफ खानदान की इज्जत को बचाने के लिए मैं 1000-2000 रुपए आपको भेंट कर सकता हूँ। चौधरी दयाराम इतना गिरा हुआ नहीं जो 1000-2000 में बिक जाए। 3000, 5000, 7000, 10000 मुमांगी रकम दे सकता हूँ। बस चौधरी बस, अगर आप मजबूर करते हैं तो मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता।
मगर अब मैं इनकार करती हूँ। बसंती, बंद करो ये नीलामी, मुझे उस घर नहीं जाना बाबू, जहाँ बहू बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह बेचा जाए। पागल तो नहीं होगी बसंती, ये क्या कह रही हो? वही जो मुझे कहना चाहिए। अब आप लोग जा सकते हैं। क्यों बे ठंडू, तनख्वाह में एक आध दिन देर सवेर हो जाए तो छठ गर्म हो जाता है, पर काम के वक्त एकदम ठंडा। मिठाई लगा जल्दी से, वो लोग आते ही होंगे। क्यों बिखरा है टट्टू, समझ गया कि नहीं? सब कालू, मुझे काम नहीं होगा, पकड़ लो अपने पैसे। गधे, इन वक्त पे धोखा देता है, इसी तरह से चलता है या नहीं? हाँ, चलता हूँ। पंडित तेलू राम जी, आइए आइए। पंडित कालीचरण जी, आपने कैसे पहचाना काली के दास को? अजी, पहचानता कैसे ना, आपका पत्र जो आ गया था। अब तो पुत्र भी आ गया है श्रीमान जी, प्रणाम करो वे पिताजी को। प्रणाम। आइए पधारिए, पधारिए महाराज। पहले थोड़ा जलपान कीजिए महाराज। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बापू, किस्मत की बात होती है, चीज बनते किसके लिए? खतार कोई। कन्या घर में नहीं है क्या? जी यही है। गौरी बिटिया, चाय लेकर आओ। और कहिए, गाड़ी वगैरह में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गाड़ी, हम तुम पैदल आए। स्टेशन से, स्टेशन से, स्टेशन से। बेटी प्रणाम करो पिताजी को। राम 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 राम, पिता तो आप है। कन्या अति सुंदर है, बिल्कुल आप पे गई है तेलू राम जी। मगर आपका बेटा आप पर नहीं गया, ये अपने बाप पे गया है। तेलू राम जी आइए आइए, आपकी चिट्ठी। अजी चले कहाँ, आइए मैं आपको अपने होने वाले समधी से मिलवाऊं। आप है पंडित कालीचरण जी दुआबे वाले। कालीचरण जी जी, राजजोशी। अजी राज तो गया, अब तो खाली ज्योतिषी रह गए गंगाराम जी। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ज्योतिषी जो हूँ। आप धन्य। राम 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 राम, हमारे चरण छूकर हमें पाप का भागी न बनाइए। महाराज, मेरे बेटे ने मुझे बड़ा दुखी कर रखा है। जानता हूँ, मेरा हाथ देख के बताइए, उसका सुख मेरी किस्मत में लिखा है या नहीं? वो तो देखने की बात है, परंतु इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपका सुख उसके भाग्य में जरूर लिखा है। इन्हें कोई उपाय बताइए महाराज, बस यूं समझ लीजिए कि देवता के घर में राक्षस पैदा हो गया। राक्षस? राम 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 राम, किसी को पीठ पीछे बुरा नहीं कहना चाहिए महाराज। अजी पीठ पीछे क्या, मैं तो उसके मुंह पे कहता हूँ। तेलू राम जी, जरा आप अपना हाथ दिखाइए। कमाल है। क्या बात है महाराज? ऐसे बात तो हमारे खिलाफ जाती है, लेकिन क्या करें, झूठ भी नहीं बोल सकते, ज्योतिषी जो ठहरे। आप दोनों की रेखाएं बताती है कि आप एक दूसरे के संबंधी होने वाले हैं। क्या कहते हैं महाराज? अजी शादी तो क्या, हम तो इनके लड़के को घर में ना घुसने दे। ऊंचा बोल ना बोल बच्चा, घुसने वाले घुस ही जाते भगवान की दया से। गंगाराम जी, आप अपने सुपुत्र के लगन की तैयारी कीजिए, इस लगन को भगवान तो क्या, मैं भी नहीं रोक सकता। अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दी। सुखी रहो। अरे गंगाराम जी, ये चिट्ठी तो पढ़ते जाइए। श्रीमान पंडित तेलू राम जी नमस्कार, आशा है कि आपको मेरा पहला पत्र मिल गया होगा। मुझे एक जरूरी काम के कारण रुकना पड़ा है, अब मैं 16 तारीख के बदले 18 तारीख को अपने पुत्र के साथ आपके दर्शन करूंगा। आपका शुभचिंतक
कालीचरण। कालीचरण? फिर तुम कौन हो? तू कौन है बे? हम कौन हैं? बता दूँ, कालू। कालू? मेरा माथा तो पहले ही ठनका था। जब भंगे, बदमाश, भंगे, चौधरी हो ठाकुर दाई चिट्ठी भेज कर वहीं बैठ रही। तुमने उसको चिट्ठी लिखी होती, आदमी भेजा होता शहर उसके लिए। एक आध दिन देर सवेर हो जाती है चौधरी जी, आजकल में नहीं आई तो मैं खुद जाऊंगा शहर। मुझे अपना भी एक जरूरी काम है ठाकुर दाई से। वो जरूरी काम जरूर होगा मुनीर जी, मगर अगले जन्म में। राम राम चौधरी जी। राम राम ठाकुर दाई, आओ बैठो, लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। बात पक्की कर दी? पक्की ही समझो चौधरी जी, ठाकुर देई कभी कच्चे काम नहीं करती। बस खुद चलकर लड़का देख लो और शगन देकर लगन की बात कर लो। लेन देन की बात भी कर ली ना धर्म कांटे में तोल के। लेन देन की बात तो लड़के की माँ ने सबसे पहले की थी मुनीम जी, सो मैंने उनकी तसल्ली कर दी कि दूसरी हवेली लेनी पड़ेगी दहेज भरने के लिए। ये तुमने ठीक कहा ठाकुर देई, ये सब लाजो के लिए तो है। मैं तो दो रोटी का आसरा रख के बाकी सब लाजो के हवाले कर दूंगा। पर मुझे किसके हवाले करोगे सरकार? कुछ मेरे लिए भी रख लेना धर्म कांटे में तोल के। अच्छा तो ठाकुर दाई, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ। इतने में तू कुछ खा पी ले, मैं तैयारी कर लूँ। अच्छा जी। ठाकुर दाई, तस्वीर देखने से तो लड़की बहुत ही सुंदर लगती। लड़की देखोगी तो तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लगेगी। वो तो ठीक है ठाकुर दाई, लेकिन देखने की चीज है लड़की का खानदान और उसके गुण। गुण क्या पूछते हैं जजमान, बस दो ही दिन में घर की काया पलट देगी। पलंग पर बैठ के हुक्म चलाना और सेवा कराना, बाकी रहा खानदान सो आपके सामने है। खानदान की खातिर तो हमने कितने रिश्ते वापस कर दिए हैं ठाकुर दाई। नहीं तो दहेज में 50-50 हजार रुपए नकद देने वाले भी पड़े। दहेज में 1000-2000 कम भी चलता है दीपक के पिता, पर खानदान बराबर का होना चाहिए। पर दहेज काहे को कमती, मेरे जजमान किसी से कम है क्या? क्यों चौधरी जी? तुम ठीक कहती हो ठाकुर भाई, मेरा सब कुछ लाजो का ही तो है। 50,000 क्या मैं लाख रुपए देने के लिए तैयार? सुना दीपक की माँ, इसे कहते हैं खानदान। बधाई हो जजमान, बधाई हो। तुम्हें भी बधाई हो ठाकुर भाई, तुम्हें बधाई हो। अच्छा तो परसों शुभ दिन है, मैं शगन लेकर आ जाता हूँ। अजी आपका आना सर आंखों पर। लो मेरा दीपक भी आ गया कॉलेज। बेटा ये है चौधरी शंभुनाथ जी। नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्ते क्या करते हो, इनकी जान छुओ। खुशनुमा खुदा, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। ये लो जी। मगर जी लो जी, इनकार नहीं करते। ले लो बेटा, बड़ों की बात नहीं टाला करते। अच्छा जी तुम्हें परसों हाजिर रहता हूँ। जी बहुत अच्छा। नमस्ते। जुग जुग जियो बेटा। ये चौधरी साहब कौन थे माँ, और ये पाऊं कैसे? अरे ये तो क्या, शादी में देखना क्या कुछ मिलता है। शादी? अरे हाँ, अपने इलाके का सबसे बड़ा जिम्मेदार है तेरा साला। ले देकर एक ही तो बहन है उसकी। मगर कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता, और फिर अभी तक मैंने पढ़ाई भी तो पूरी नहीं की। तेरी पढ़ाई तो 20 साल और पूरी नहीं होगी। क्या जब तक कुंवारा रहेगा क्या? मगर शादी बच्चों का खेल तो नहीं पिताजी। लेकिन बूढ़ों का खेल भी तो नहीं है बेटे, यही उम्र है शादी करने की। वो तो ठीक है, मगर जिसे मैंने देखा तक नहीं वो कौन है कैसी है? हम लोगों ने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। और फिर हम अपने इकलौते लाल के लिए ऐसी वैसी लड़की थोड़ी पसंद करेंगे। हजारों में है, ले देख ले, है ना जान का टुकड़ा। अरे शर्माता क्यों है? बहू क्या है, साख साख लक्ष्मी है। Ah
क्या होगा चौधरी? होगा क्या, मुझे शंभू के बच्चे की तबीयत साफ करनी ही पड़ेगी। मेरा नाम भी जीवन है, जीवन। तू रो रही? तुझे तो खुश होना चाहिए, तू तो अपने घर जा रही। देख मेरी बच्ची, अपने भैया की एक बात बल्ले बांध ले, आज से वही घर तेरा घर है। अपने सास ससुर को माता पिता समान समझना और पति को परमेश्वर। ईश्वर तेरा सुहाग बनाए रखे मेरी बच्ची। भैया, बसंती, लाजो। अरे खिलौना? जी हाँ, इसके साथ खेलने वाला एक साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए सारे, समझे? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, जबकि हमारा प्यारा दोस्त दीपक शादी के पवित्र बंधन में पूरी तरह जकड़ा गया है। दीपक को तो आप देख ही रहे हैं, उसके चेहरे से किस तरह खुशी फूट रही है। इस खुशी के मौके पर आप ये जानकर और भी खुश होंगे कि हमारे चंद एक और दोस्तों की शादी भी आज ही हुई है। उनकी ये शादी कैसे हुई और किन हालात में हुई मैं आपको दिखा ही देता हूँ, मगर उनके घर जाकर नहीं बल्कि स्टेज पर। मारवार की आई छम छम, दुल्हो लखनऊ रोजी मारो है सनम, ओ मारो है सनम अब कई गम। दुल्हन मारवार की आई छम छम, बंदे का तो नाम अब्दुल लतीफ है, आपका क्या इसमें शरीफ है। हाय दुनिया कभी है रसीली, मारो वाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह, छोड़ो पल्ला ये क्या है, आ, गोर सवा शेर का, और ये क्या है, आ, गगरा बिकानेर का, मोरे सर पर है गोर सवा शेर का, मैंने पहना है गगरा बिकानेर का। हाय सुभान अल्लाह, एक बात पूछूं, कई मैं कैसे क्या लाई है, नखरो रो संदूक, और क्या लाई है, नजरो रे बंदूक, दिल में क्या लाई है, मीठी
चल बाग में सुनाऊं तुझे कहीं कुकू कोयलिया की कूक ना पढ़ो सुन का है बाग बेधन आजासी जब छेड़ेंगे प्रेम पराग बेधन आजासी तारी मारी ये जोड़ी देख के उसे लग जाएगी आग बेधन आजासी नखरत खाती हमें लहंगे वाली हूर है कहती है कि जाओ जाओ दिल्ली अभी दूर है ना जमाने आवे है तुम मार के कसूर दे दुल्हन मारवाड़ की आई छम छम दुल्हन लखनऊ रोजी पारो है सनम गुजरात का मैं छोकर लाया हूँ तशरीफ का मैं कोकर सारू छे सू छे एक दो तीन चार पाँच छे हट गया दिल मेरे फंस के जवानी तेरे हंस दे ओके मैं दीवानी तेरे पीछे पीछे नस दे चन्नवे आजा तू मेरे बेड़े चन्नवे आजा तू मेरे नेड़े चन्नवे आजा पीछो पीछो आऊं जहां जाओ जो अखियां मिलाने कहां आओ जो ताली दे थल्ले शावा ताली दे थल्ले होय होय वहां क्या सुनाओ जो मने चन्नवे गीत पंजाब दा गड्डी आई नारुवाल दी ओ बाबी दी ताड़ी विच अकबाल दी आहा गड्डी आई नारुवाल दी ओ बाबी दी ताड़ी विच अकबाल दी गोरे मत जाऊं छु मैं दूर दूर रह के कर दिया दीवाना मने सारू सारू कह के जो कड़ोई कहूंगी मैं ठल्ले ठल्ले बैठे दुल्हन है पंजाब की बाबे बा दुल्हन है गुजरात दा पंजाब के बापे वा से चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रही है मगर आज तक कोई नहीं पहुंचा लेकिन बाहरे दीपक तू तो बगैर रॉकेट के ही चांद तक पहुंच गया लाजवंती लाजवंती कुछ तो बोलो क्या मौन व्रत रखा है आज जी
मौन व्रत तो नहीं, देवी का व्रत जरूर रखा है। वाह, ये भोली भाली सूरत और उस पर ये भोला भाला जवाब, तुम्हारी कसम ये लाजवाबदा जिंदगी भर नहीं भूलेगी। लो व्रत खोल डालो, लो ना, आप भी खाइए ना। कोई अपने हाथ से खिलाए तो जरूर खाऊंगा। ठहर तो बंदर की तुम, मां के लाड प्यार ने किशोर को सर पे चढ़ा रखा है। आपका भाई है क्या? हाँ भाई ही समझो, दरअसल हमारे एक वफादार मुनीम का लड़का है, बेचारा बचपन में ही यतीम हो गया था, माँ ने इसे अपने बेटे की तरह पाला है, बड़ा ही नटखट, मगर तुम उसका बुरा नहीं मानना, भाभी को देखने के लिए तो दिन गिना करता था। और आप क्या गिना करते थे? मैं रातें। हमसे तो दामन छुड़ा लिया, मगर अपनी सौतन से पीछे ना छुड़ा सकूं। सौतन? हाँ लाजू, अब तुमसे क्या पर्दा, मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। जी? हाँ, हालांकि ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है, फिर भी ना जाने उसकी किस अदा ने मुझे लूट लिया। कभी कभी तो सारी सारी रात कट जाती है उसे देखते, और फिर सुबह जब आंख खुलती है तो उसका सर अक्सर अपने सीने पे पाता। आओ मैं तुम्हें से मिलवाऊं, इसमें घबराने की क्या बात है, आओ मैं उसे मिलवा दूं। यही है तुम्हारी सौतन और मेरी लाइब्रेरी। जी, लाइब्रेरी। हाँ लाजो, मुझे बचपन ही से किताबों का बहुत शौक है। इतनी खतरनाक दिल लगी, मैं तो घबराई गई थी। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, मुझे यकीन है कि तुम दोनों जिंदगी भर साथ रह सकोगी, क्योंकि मैं इसे भी चाहता हूँ और तुम्हें भी। एक बात मानूंगी, आज हमारे मिलन की पहली रात है, कितना ही अच्छा हो कि तुम अपनी मधुर आवाज में महाकवि बिहारी की वो कविता सुनाओ जो अपने श्रृंगार रस प्रेम और सुंदरता के कारण सुनने वालों का मन मोह लेती है। मगर इसमें शर्माने की क्या बात, उठा लो वो किताब और छेड़ दो ऐसा नगमा जिसको सुनकर तुम्हारा दीपक ये रात बल्कि सारी कायनात झूम उठे। जी सामने रखिए, जाओ उठा लो, जाओ ना। ये क्या शेक्सपियर उठा लाई? जी बात ये है कि। क्या बात है? जी बात ये है कि मैं आपकी बातें समझी नहीं। क्या मतलब? जी मुझे मेरे भैया ने लिखना पढ़ना नहीं सिखाया। तो क्या तुम अनपढ़? बिल्कुल अनपढ़। ओ तो अभी तक मैं एक पत्थर से सर पटकता, एक जाल से अपना मगज खपाता। छोड़ मुझे, मेरी आंखों ने चमकती रेत पर पानी का धोखा खाया, मैं जिसको पूर्णमासी की रात समझता रहा वो अमावस की रात। इसी दिन के लिए तो हम दिन गिन रहे थे दीपक के पिता,
बहू ने सोने चांदी से घर भर दिया है और आपने सोने चांदी के बदले अपने बेटे को बेच डाला, उसकी हर खुशी को बेच डाला, उसके सब सपनों पे पानी फेर दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप दौलत के लालच में अंधे होकर अपने बेटे के पल्ले गंवारा रनपड़ लड़की बांध देंगे। आपने मुझे धोखा दिया है दीपक। आपने दीपक की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। माँ, अब अपनी बहू को उठाकर भी इसी शोकेस में रख लो, मुझे इसकी सूरत से नफरत है। रहने दो रहने दो। देखो आज रामू की तबीयत ठीक नहीं, रसोई में जाकर जरा नाश्ता तैयार कर दो। जी नाश्ता? क्यों, जिम्मेदार की लाडली बहन को घर का काम करते हुए शर्म आती है क्या? नहीं माँ जी। तो फिर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही, जा। किशोर बंद करो ये सीटी। भैया मुंह का ध्यान नाश्ते की तरफ था, सोचा जरा सीटी बजाकर ध्यान दूसरी तरफ कर लूं। और फिर आज तो नाश्ता भी स्पेशल होगा, भाभी जो तैयार कर रही है। बहू जल्दी करो, दीपक के कॉलेज का वक्त हो गया है और मेरे स्कूल का वक्त हो गया। किशोर तुम ही जाकर देख लो नाश्ते में कितनी देर। अच्छा भैया। नाश्ता तैयार हो गया भाभी? तो ये है नाश्ता, अभी खिलाता हूँ भैया को। किशोर किशोर, वाह भाभी ने सचमुच ऐसा नाश्ता तैयार किया कि देखते ही तबीयत साफ हो जाएगी। क्यों है ना हिंदुस्तान का नक्शा, और ये रहा आमलेट, खुशबू से ही भर गया पेट। हाय राम, ये क्या है? आमलेट। फूट गई हमारी किस्मत, कैसी पत्थर जैसी बहू पल्ले पड़ गई है। पत्थर जैसी नहीं माँ, गुणवती कहो गुणवती। तू यहाँ क्यों लाया, जा मार उसके मुंह पर। ना ना माँ, इसमें उस बेचारी का क्या दोष, वो तो साक्षात लक्ष्मी है ना, और लक्ष्मी का काम है घर में दौलत लाना, ना कि तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना। तुम कहाँ चला, घर में तेरे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नाश्ते के लिए बाजार में होटल बहुत है। खबरदार जो फिर कभी रसोई में पाँव रखा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अब हमारे बेटे का क्या होगा। होगा क्या, अब उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देते। मैं मानती हूँ कि मैं आपके लायक नहीं, मगर मैं विनती करती हूँ कि आप कम से कम मुझे अपनी दासी बनाकर ही सेवा करने दीजिए। मुझे ना सेवा की जरूरत है ना तुम जैसी दासी। Thank you.
मेरे प्यारे भैया, बहुत बहुत नमस्ते।
कई दिन से तुम्हें चिट्ठी भेजना चाहती थी मगर भेज ना सकी। कारण ये है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ चिट्ठी का उत्तर जल्दी देना। लिखने वाली तुम्हारी प्यारी बहन। लिखने वाली नहीं, लिखवाने वाली कहो। नौकर से खत लिखवा कर हमारे घर की बदनामी कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बदतमीज, इसकी अकल पर तो पर्दा पड़ा हुआ, मगर तुम्हें खत लिखने की जरूरत कैसे हुई? शर्म से डूब नहीं मरी? एक मामूली नौकर से घर की बातें लिखवाते हो? मेरी शिकायत लिखवाई होगी, मुझे जी भर के गालियां दी होंगी, मुझे बदनाम किया होगा, मगर मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को समझता क्या हूँ? ला ये खत, देखो क्या जहर उगला है मेरे खिलाफ। नहीं, मैं तुम्हारे इस खत से नहीं डरता। मैं छोड़ हजार खत लिख सकती हूँ, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ तुमने क्या बकवास किया। नहीं, छोड़ो ये खत। मैं कहता हूँ लाओ ये खत। मेरे प्यारे भैया, बहुत बहुत नमस्ते। मैं कई दिनों से तुम्हें चिट्ठी लिखना चाहती थी मगर न लिख सकी। कारण ये कि मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। कभी सास लाड़चाव करती है तो कभी नन्ना सा देवर अपनी मीठी मीठी बातों में लगा लेता है, और वो उनकी तो बात ही न पूछिए, मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि अपने दूसरे काम भी भूल जाते हैं। सच पूछो भैया, उनके सलूक ने मेरे मैके को भी भुला दिया है। वो इतने अच्छे हैं कि मैं अपने आप को उनके लायक नहीं समझती। उनके प्यार ने सचमुच इस घर को मेरे लिए स्वर्ग बना दिया है। गलती होगी, बहुत बड़ी गलती। नहीं नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती मेरे भैया की है जिसने बेसोचे समझे अपने मूर्ख और अनपढ़ बहन को आपके पल्ले बांध दिया। गलती मेरी है जिसने आते इस घर का सारा सुख चैन छीन लिया। ऐसा मत कहो लाजवा, तुम्हारे खत ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी इतनी बदसलूकी पर भी तुमने भैया को मेरी तारीफ लिखवाकर साबित कर दिया कि तुम एक देवी हो, साक्षात देवी। नहीं नहीं नहीं, मगर फिर भी मैं अपने आप को अपने देवता के लायक नहीं समझता। नहीं लाजो, तुम तो इस लायक हो कि देवता भी तुम्हारी पूजा करे। अगर तुम्हारे भाई के लाड प्यार और दौलत के गुरूर ने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? विद्या इंसान का कीमती जेवर है, मगर इंसानियत का जो जेवर तुम्हारे पास है लाजो, इसकी कोई कीमत नहीं, ये अनमोल है। मुझे माफ कर दो लाजो, बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। पाप तो मुझसे क्या, जिसने तुम्हारे कोमल मन को दुखाया, मगर अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तुम्हारी तमाम खामियां दूर करके तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि लोग एक दिन तुम्हारे दीपक की तकदीर पर नाश करेंगे। राजू, एक बार मुस्कुरा दो, बस एक बार, जिससे तुम्हारे दीपक की दुनिया मुस्कुरा उठे। मेरे लिए, अपने दीपक के लिए। हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयां। लिख लिया जी मास्टर जी? किस भाषा में लिखा है ये जी? आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ लीजिए ना।
कोई भाषा तो जरूर होगी। तुम्हारी हाजिर जवाबी का भी जवाब नहीं, मगर ये पढ़ाई लिखाई के वक्त तुम्हारा दिमाग कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ रहता तुम्हारा ध्यान? जी आप में। तुम्हारी इन मासूम अदाओं पे गुस्सा भी तो नहीं आता? खैर छोड़ो, लिखाई में तो तुमने अपना कमाल दिखा दिया, अब ये बताओ ये कविता तुम्हें जबानी याद है या वो भी भूल गई? ये नगमा निकला है चलिए आप बड़े वो हैं लाजो, जिस लगन से तुम मेरा ध्यान रखती हो अगर उसी लगन से तुम पढ़ाई करो तो बस अगले वर्ष तुम्हें दसवीं पास करवा दूं। दसवीं? हाँ, मगर मैं तो इसी साल में एम ए होने वाली हूँ। एम ए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स? नहीं, आप एमए का मतलब ही नहीं समझते क्या? एम ए मिलकर क्या बनता है? बाप
अरे यानी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। बस तो फिर ठीक है, कल शुभ दिन है और राखी का त्यौहार भी, तुम अपने भैया की राखी भी बांध देना और मुझे जानकर कितने खुश होंगे। मैं भैया को राखी डाक से भेजूंगी। वो क्यों? किशोर की तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना, अगर हम चले जाएंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा। देखिए आपकी आने वाली छुट्टियों में हम दोनों गांव चलेंगे। छुट्टियों में दोनों? तब तक तो हम तीनों ही चल सकेंगे। तीसरा कौन? तीसरा वो जिसका 3 बरस तक टिकट नहीं लगेगा। चलिए आप बड़े वो हैं। कल मेरा कोई टेलीफोन आया था? नहीं तो क्या बहू? जी जी आया था, कुछ बेचने खरीदने की बात कर रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं सकी। सुना तुमने, इसकी जरा सी भूल ने मेरा 15,000 का नुकसान कर दिया। न जाने किस मनहूस गली में रिश्ता कर बैठा। मैंने कहा जो होना था वो हो गया, अब जरा गुस्से को छोड़ दीजिए। बड़ी मुश्किल से बात करने लगा है लड़का बहू से। तुम चुप रहो जी, ये सब तुम्हारी मेहरबानियों का नतीजा है। मैं तो मुझे दहेज का लालच दिलाती ना, दिन देखना नसीब होता। अच्छा मुनीम जी, पीछे ध्यान रखना, मैं कल तक लौट आऊंगा। चौधरी जी, बुजुर्गों ने कहा है जाते को ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप घोड़े को कहाँ लिए जा रहे हैं धर्म कांटे में तोल के? अरे मैं लाजे से मिलने जा रहा हूँ, राखी का त्योहार भी गुजर गया, न वो खुद आई न कोई चिट्ठी पत्र भेजा। लाजो बिचारी कौन सी BA MA है कि जब जी चाहा खत लिख दिया। परदेश की बात है चौधरी, नजरों के सामने होती तो आज चिंता न करनी पड़ती। गलत तो नहीं कह रहा हूँ चौधरी, राखी के दिन लाजो को मैं खुद लेके आता तुम्हारे पास। मैं बदमाश आइंदा जबान खोली तो मुंह तोड़ दूंगा, समझे? देखो मैं मंदिर जा रही हूँ, किशोर का ध्यान रखना, जब इसकी आंख खुले दवा पिला देना बोल शीशी वाली, समझी? बहुत अच्छी माँ जी। अरे तू जाग गया, अब कैसी तबीयत है मेरे भैया की? जगा क्यों दिया मुझे? तुम्हारे दवा पीने का वक्त भी तो हो गया है। मैं नहीं पीऊंगा दवा, बहुत कड़वी है। दवा नहीं पियोगे तो ठीक कैसे होगे? मैं अभी लाती हूँ। मासूम बच्चे को जहर पिलाते तेरे हाथ तक टूट गए। हाँ जहर, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगे। इस बच्चे ने तुम्हारी जहालत की एक आध बार हंसी क्या उड़ाई, तुम इसकी जान में बतुर गई। निकल जाओ मेरे घर से, मेरा मुंह क्या देखे, निकल जाओ मेरे घर से और मैं तुम्हें घर से निकाल करूंगा। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, कोई जगह नहीं है। तुम्हारे इस बहाने का सच भी मान लूं तो भी तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। तुम्हारी जहालत किसी वक्त भी कोई गुल खिला सकती है। जाओ दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने और जाओ अपने गवार जाओ इस भाई के पास। आप मुझे जी भर के गालियां दे लीजिए, मैं सह लूंगा। मैं बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं लड़की वाला हूं, लेकिन अपनी बेटी जैसी बहू से ऐसा सलूक करना, ये तो आपको शोभा नहीं देता। इस जाहिल के करतूत देखकर ना मैं इसे बहू मानने के लिए तैयार हूं ना बेटी। क्या इसीलिए बहू बनाकर लाए थे मेरी बहन को?
क्या इसी दिन के लिए गले मिले थे मुझसे? वही तो हमारी बदनसीबी का पहला दिन था जिसके लिए हम अब तक रो रहे हैं। ठाकुर साहब, मैं तुम्हें एक शरीफ आदमी समझता था, मुझे नहीं मालूम था कि दौलत के पर्दे में तुम अपनी बहन के हुक्म छिपाकर मैं धोखा दूं। ठाकुर साहब, मुंह संभाल के बात कीजिए, आप हद से गुजरते जा रहे हैं। अगर रिश्ते और बुजुर्गी का ख्याल ना होता तो मैं गाली का जवाब गोली से दे सकता था। एक जलील खानदान के कमीने आदमी से उम्मीद क्या हो सकती है? तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले? तुम्हें क्या अधिकार है हमारे घर की बातों में दखल देने का? चले जाओ यहाँ से, फिर कभी इस घर में मत आना। मैं यहाँ सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ। वो तो देख ही रहा हूँ लाजी। माफ कीजिए ठाकुर साहब, कसूर ना आपका है ना लाजू का, कसूर मेरा है। इसने अपने जिगर के टुकड़े को बेदर्दों के हवाले। बकवास बंद करो, निकल यहाँ से। ये पिताजी ने बहुत बुरा किया, समझ में नहीं आता उनको क्या हो गया। अगर तुम घबराओ नहीं लाजो, मैं भी तुम्हारे भाई को लेकर आता। भाई को लाने के बदले बेहतर है बहन को भाई के पास पहुंचा दो। पिताजी सुनी नहीं इसकी कसूर? आपके भी सुन चुका हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि लाजो की तमाम खामियों के बावजूद जब मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, आप इस गरीब के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े? गलती पहले भी आपकी थी और अब भी आपकी। दीपक, इस गरीब का इसके सिवा कोई कसूर नहीं कि ये अनपढ़, मगर आपने इस मासूम पर झूठा दोष लगाने के साथ इसके और इसके भाई की बेइज्जती करके मेरा ही नहीं बल्कि अपने सारे खानदान का सर शर्म से झुका। बदतमीज, कान खोल कर सुन लो, अगर उस जंगली को घर में लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मेरी दौलत में से तुमको एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दौलत? दुनिया औलाद को सबसे बड़ी दौलत समझती है पिताजी, मगर अफसोस आप दौलत को औलाद समझ रहे हैं। रखिए संभाल कर इसे, मुबारक हो आपको ये दौलत। चौधरी साहब, कसूर आपके इस खादिम का है जिसके अरमानों का खून आप और सिर्फ आपकी गर्दन पर है।
जिसकी इज्जत का मजाक उड़ाने में आपने कोई कसर नहीं उठा रखी। अब आप ही बताइए, आपके इन एहसानों का बदला कैसे चुकाया जाए? क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा? आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। नादान न बनो जीवन, होश में आओ। अगर अपने खानदान का नाम रोशन नहीं कर सकते तो कम से कम उसके माथे पर कलंक का टीका न लगाओ। चले जाओ से, चले जाओ। हमें बर्बाद करके अब हमारी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए यहाँ बैठी है। कलमुनी, डायन, मेरे जवान बच्चे को खाकर भी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसका खून पीकर भी तेरी प्यास नहीं बुझी। तो औरत नहीं, डायन है, डायन, इसने खुद अपने ही पति को खा लिया। चल निकल यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। Thank you.
जला घर किसी का। वो देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किसके सितारे। वो किस्मत हंसी और ऐसे हंसी कि रोने लगे गम के मारे। वो देखो जला घर किसी का, ये टूटे हैं किसके सितारे। कौन हो तुम? किसे देख रही हो? इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है? ताला सरकार ने लगाया है जी। हाँ, शंभुनाथ एक जिम्मेदार का खून करके भाग गया है। हाँ, पुलिस उसकी खोज में लगी हुई है। पोस्टमैन है चाचा गंगाराम जी। वो तो सर्वनाश हो चुके। तो उनके घर वाले बसंती कालू वो लोग तो न जाने कहां चले गए।
क्यों भाई, किससे मिलना है? घर के लोग कहाँ हैं? कुछ दिया बत्ती नहीं जल रहा है? जब कुल का दीप ही न रहा तो दिया बत्ती क्या जले? क्या क्या मतलब? दीपक बाबू मोटर के हादसे में चल बसे, इसलिए सेठ जी परिवार समेत घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए। मगर बहू? बहू? उस बेचारे के साथ तो बड़ी अनहोनी हुई। पति की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सास ससुर ने गर्भवती बहू को मनहूस समझकर घर से निकाल दिया। मगर तुम कौन हो भाई? मैं लाजू के भाई का दोस्त हूँ। फिर तो तुम्हें मालूम होगा उस बेचारे पर भी किसी के खून का दोष लग गया है। हाँ। कहीं उसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो बदनसीब अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठेगा। कहीं उसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो बदनसीब अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठेगा। कहीं उसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो बदनसीब अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठेगा। नमस्ते, क्या बात है? मैं गरीब परदेसी हूँ, आपके यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? खाना बनाना जानती हो? जी जी, कुछ दिनों में सीख जाऊंगी। पहले तुम्हें सिखाने के लिए एक नौकर रख ले, फिर आना। कुछ लिखना पढ़ना जानती हो? हमारे बच्चों को पढ़ा सकोगी? चल बेटा। खाना पकाना, सीना पिरोना, लिखना पढ़ना कुछ भी तो नहीं आता तुम्हें, फिर भी हम तुम्हें रख लेते हैं बर्तन साफ करने के लिए। बर्तन साफ करने के लिए तो मैंने सुबह ही नौकरी नहीं रख ली है। खाना बनाना जानती हो? पहले तुम्हें सिखाने के लिए एक नौकर रख ले, फिर आना। कुछ लिखना पढ़ना जानती हो? हमारे बच्चों को पढ़ा सकोगी? खाना पकाना, सीना पिरोना, लिखना पढ़ना कुछ भी तो नहीं आता तुम्हें। अकेली हो क्या? शर्म नहीं आ रही तुम्हें एक शरीफ औरत से बात करते हुए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। देवी, क्या बात है? कहाँ जाना? क्या बताऊं? ओह, तो फिर आओ मेरे साथ। जी, जी मैं। घबराओ नहीं, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, जमाना बड़ा खराब है, अकेली कहाँ जाओगी इस वक्त? आओ आओ। रुक क्यों गई? आओ ना। लाजो, मैंने कहा फिर सुनिए, जल्दी जाइए।
क्या बात है, क्या हुआ? जरा जल्दी पानी ले आइए। लाडू लाडू लाडू, परफेक्ट सी बहन लड़की हुई है, लड़की। अच्छा भाभी, ए भाभी, क्या हुआ दीदी? लाडू की लड़की हुई है। लड़की? हाँ, जल्दी से जाकर भैया को दुकान से बुला ला। अच्छा अभी आई। आ गया घर? अरे अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। हाँ भाई, सब दुकानों पे ग्राहकों का मेला है, एक अपनी दुकान पे कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ है। अब तो 3 दिन का बासी दही भी बेचारा फूट फूट के रो रहा है। खानू हो जा करो, ठंडी ठार लस्सी, कलवेदार लस्सी, पी जा यार लस्सी। आओ सरदार जी आओ, ले आओ भाई 2 गिलास मीठी लस्सी। ले जी ले, बादशाह किस्मत वाले हो सरदार जी, ताजे दही का बस एक ही कुंडा बचा है। लो बादशाह, पियो और जियो। क्यों सरदार जी, सुबह सुबह एक ही घूट में नशा आ गया कि नहीं? अरे इसने तो रात का नशा भी उतार दिया, इतनी खट्टी। अरे दही की लस्सी है क्या सर धोने का जामन? लाओ हमारे पैसे वापस। पैसे? पैसे कैसे जी, हम तो यहाँ के नौकर है, पैसे लेने के जिम्मेदार है, देने की नहीं। दुकान का मालिक कहाँ है? मालिक सामने की दुकान में लस्सी पीने गया है। बड़ी मान कहीं के, हमको गड्डी पे चलना ना आता तो तुम्हारा कचूमर निकाल देते। चलो पलवान जी, चलो जी चलो, कहाँ फंस गए चोरों की दुकान पर। ठंडी ठार लस्सी, जिम्मेदार लस्सी, पी जा यार लस्सी। अरे सुना तुमने, लड़की पैदा हुई है। क्या बकती हो, लड़की कैसे पैदा हो सकती है, हमारी शादी को तो अभी 3 महीने हुए हैं। तो फिर लड़का पैदा हुआ होगा। ओहो, तुम दोनों की अक्ल तो घास चलने गई है, लड़की लाजू दीदी के हुई है। ऐसा? क्या बेवकूफ हूँ मैं, चलती चलो तुमको बुलाया है। मैं चलो चलो चलो, ठंडू हो जा गरम, ठंडी ठार लस्सी, जलवेदार लस्सी, पी जा यार लस्सी। न मैं कर रहा न ससुराल, अब तो जी चाहता है कि कुछ खा के मर जाऊं। पहले कहीं कि तुम ही बताओ बसंती, जियो तो किसके लिए जियो? इस मासूम के लिए, अपने देवता की निशानी के लिए। लेकिन बसंत, लेकिन क्या? हौसले और धीरे से काम लो लाजू, मुझे को देखो ना, क्या नहीं गुजरी मेरे साथ। उस पर पिताजी का साया भी उठ गया, बस 4 अक्षर पढ़े थे वही काम आ गए, नौकरी भी मिल गई और लो ये भी आ गए। सुना आपने, लड़की हुई है। अच्छा मुबारक हो लाजो बहन, कितनी प्यारी बच्ची है। लाजो पिछली बातों को भूल जाओ, आज से इस घर को अपना ही घर समझो और इस नन्ही से जान का ख्याल रखो, इसी में उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मगर अपने आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब हम अपनी भांजी को अपने सीने से लगाएंगे। बेटी तुम पहली बार हमारे घर आई हो, बोलो क्या पियोगी, चाय कॉफी सोडा लेमन या ताजे दही की ठंडी ठार लस्सी, जलवेदार लस्सी? तू क्या ही कर रही है, ये तेरे बाप का घर नहीं जहाँ मेहमान को पानी तक नहीं पूछा जाता। क्यों बेटी ठीक है ना? Thank you.
किरण, क्या हुआ? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मास्टर जी ने मुझे मारा। तूने जरूर कोई शरारत की होगी, बोल बोल क्या किया? मैं स्कूल का काम करना भूल गई थी। तो फिर ठीक है, तो क्या मास्टर जी ने? चल वापस स्कूल। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, क्या था नहीं जाएगी? चल। क्या हुआ दीदी, किरण को क्यों मारा? काश मेरे भैया ने भी मुझे ऐसे ही मारा होता, तो मैं जिंदगी की मार से बच जाती। माँ, तू तो कहती थी पिताजी को प्रणाम करने से वो भगवान के घर से जरूर आएंगे। मैं तो रोज प्रणाम करती हूँ, फिर वो क्यों नहीं आते? माँ आएंगे बेटा, वो जरूर आएंगे, मगर कब? भगवान का घर दूर है ना, वहां से आने में देर लगती है। अच्छा, फिर तो पिताजी थक जाएंगे। माँ मैं चली गया हूँ वहां। ऐसा नहीं कहा करते बेटा, ऐसा नहीं कहा करते। क्या बात है माँ, तू क्या सोच रही है? सोच रही थी मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है। कौन माँ? जैसे तेरे पिता, तेरे मामा, और फिर एक दिन तू भी तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगी? जब तू बड़ी होगी, तेरी शादी रचाऊंगी, और फिर तू मुझे छोड़कर अपने घर चली जाएगी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे किरण, किरण, अरे ओ किरण, अरे शर्मा क्यों रही है पगली? आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो तेरे हाथ पीले करने ही पड़ेंगे। हटो माँ, मैंने कह दिया ना मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। बेटी, कौन माँ अपनी बच्ची को अपनी आंखों से दूर करना चाहती है, फिर भी करना ही पड़ता है। देख माँ, फिर कभी ऐसी बात कही तो कल मैं अपने कॉलेज के जलसे में तुझे साथ लेके नहीं जाऊंगी। इतनी बड़ी सजा दोगी अपनी माँ को? हाँ? बेटी, तेरी खुशी का ये दिन देखने के लिए तो मैंने परसों इंतजार किया है, फिर भी तू कहती है तो मैं नहीं जाऊंगी। माँ, माँ। मेरी बेटी, मेरी रानी बेटी। काश ऐसे फंक्शन रोज हुआ करते। हेलो ठाकुर साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आप। तस्वीर रखिए। शुक्रिया। बहुत जमाने के बाद आपसे मुलाकात हुई है। जी हाँ। और इधर मैं भी अपने कारखाने के सिलसिले में। किशोर जी। जी पिताजी। तुम यहाँ क्यों आए, दफ्तर क्यों नहीं गए? पिताजी आप तो जानते हैं मैंने जिंदगी का एक हिस्सा इस कॉलेज में गुजारा है, इसलिए वो गुजारा नहीं बर्बाद किया है। जाओ दफ्तर। जी जाओ। जी पहुंच। मुअज्जज मेहमानों और प्यारे तालिबे इल्मों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे आज के इस जलसे की सदारत शहर के मशहूर रईस और दानवीर ठाकुर महेंद्रनाथ साहब ने मंजूर फरमा ली है। अब मैं ठाकुर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो यहां आकर सदारत की कुर्सी को इज्जत बख्शें।
अब साहेब सदर अपने मुबारक हाथों से कॉलेज के ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम फरमाएंगे। कमल खन्ना, कुमारी रेणु कपिला, कुमारी जगजीत कौर, और कुमारी किरण, आप सब लोगों को यह जान के बहुत खुशी होगी कि इस बरस बीए के इम्तिहान में कुमारी किरण हमारे कॉलेज में फर्स्ट आई। शाबाश बेटी। मैं प्रिंसिपल साहब और कॉलेज कमेटी का दिली शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस मुबारक जलसे में सदारत की इज्जत बख्शी। जाहिर है ये कामयाब विद्यार्थी एक नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं। मेरी दुआ है कि वो इसी तरह जिंदगी के इम्तिहानों में भी हमेशा कामयाब रहे। इस मौके पर मैं कुमारी किरण को नहीं भूल सकता। इस काबिले फख्र कामयाबी के लिए जहां वो खुद और उसके लायक प्रोफेसर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वहां मैं कुमारी किरण के माँ बाप की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता जिन्होंने अपनी बच्ची के मन में पढ़ाई की ऐसी लगन पैदा की। और सच पूछिए तो बाप से ज्यादा माँ काबिले तारीफ है, क्योंकि औलाद पर माँ का असर निस्बतन कहीं ज्यादा होता है। वो देवी कितनी लायक और समझदार होगी जिसने इस बच्ची को जन्म दिया। ऐसी ही देवियां अपनी विद्या के दीपक से अपने खानदान और अपने देश का नाम रोशन करती हैं। अब मैं हाजरीन जलसा का शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहता हूं। आपने मेरी माँ की इतनी तारीफ की है, आइए मैं आपसे उनसे मिलवाऊं। जरूर जरूर, मैं खुद उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ। माँ, ओह शायद वो ये खुशखबरी सुनाने घर चली गई। खैर, फिर कभी से। अच्छा ये बताओ कि अब आइंदा क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? एमए ज्वाइन कर रही हो ना? जी एमए तो जरूर करूंगी, मगर प्राइवेट। क्यों, कॉलेज में क्यों नहीं? बात ये है ठाकुर साहब, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत दुख उठाए हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी की है। अब मैं चाहती हूँ नौकरी करके उनकी सेवा करूँ। शाबाश, बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगा। ठाकुर साहब, ये लो मेरा कार्ड, और दो एक दिन के अंदर ही मुझे ऑफिस से मिलना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा किशोर जी, पिताजी तुम अभी तक यही घूम रहे हो, मैंने तुमसे क्या कहा था? जी मैं दफ्तर से बैंक जा रहा था, सोचा जरा आपसे मिलता चलूं। चलो मेरे साथ। जी आप चलिए, मैं जरा एक चेक कैश करवा के आता हूं। ओके किरण, बाय बाय टाटा। मैंने कहा जी मुबारक हो। शुक्रिया। गुस्ताखी माफ, कभी इधर भी शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। आप तो जानती हैं महीनों से इस रास्ते के चक्कर काट रहा हूँ, कम से कम आज तो अपनी शानदार कामयाबी पर दो बातें कर लीजिए। अपने आप को ठीक कर लीजिए मिस्टर, आइंदा ऐसी बात की तुमसे बुरा कोई ना होगा। किशोर को बुरे के घर तक पहुँचना आता है। जिस वकील पर इतना इतरा रही हो मैं उसे भी सीधा कर सकता हूँ। मिलार्ड, बंदा आपके कॉलेज के कन्वोकेशन में शामिल ना होने का जुर्म कबूल करता है और माफी के लिए अपील पेश करता है। दरअसल वजह यह थी कि आज कोर्ट में एक बहुत जरूरी केस आन पड़ा। तो जाइए वकील साहब, जब केस का फैसला हो जाए तो आ जाइएगा। मगर हजूर, अब हाई कोर्ट को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? छोड़ दो,
अरे किरण, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा, जैसे मैं मुलजमों के कटारे में खड़ा हूँ और तुमने मुझ पर चोरी का मुकदमा कर दिया। चोरी? कैसी चोरी? यही तो मैं पूछता हूँ, आखिर क्या चुराया मैंने तुम्हारा? किरण बेटी, तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी है, सुनोगी तो फूले नहीं समाओगी। तो क्या मेरी नौकरी का इंतजाम हो गया है ठाकुर साहब? हाँ, इसी कंपनी में 300 रुपए माहवार। 300? माँ सुनेगी तो कितनी खुश होगी। और हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं, दो एक दिन में मैं तुम्हें बुलवा भेजूंगा। आप सचमुच देवता है ठाकुर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पगली, अगर एहसान मानना ही है तो अपनी काबिलियत का मानो। बेटी, तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे अपने बेटे की याद आ गई, वो भी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी तरह हजारों में एक था। तो क्या वो? हाँ बेटी, लोग कहते हैं कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मुझे भाग्य को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिल गई। मेरी जरा सी भूल ने मेरे हंसते बरसते घर को बर्बाद कर दिया। अगर आज वो जिंदा होता तो तुम्हारी उम्र के मेरे पोते पोतियां होते।
आप मुझे को अपनी पोती समझिए ना। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। अच्छा तो मैं अब चलूं। अच्छा बेटी। मैंने कहा जी नमस्ते। गुस्से से देखते हैं मगर देखते तो हैं। हम खुश हुए कि हैं तो किसी की निगाह में। बड़े ढीठ हैं आप। देखिए आपकी इज्जत इसी में है कि आप अपना रास्ता लीजिए। मैम साहब अपना रास्ता तो यही है और मंजिल सामने। मैं फिर कहती हूँ कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से वरना वकील से कहकर केस करवा दोगी। मुझे अब तुम्हारी बदतमीजी की शिकायत करनी ही पड़ेगी ठाकुर साहब से। प्रॉमिस इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था। ठाकुर साहब से कुछ आप कहेंगी कुछ मैं कहूंगा मुमकिन है बात बन ही जाए। चलिए छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। शरीफ आदमी किसी का हाथ पकड़कर छोड़ा नहीं करते। कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी गर्दन। शरीफ आदमी किसी की गर्दन पकड़कर छोड़ा नहीं करते। बेटी किरण तू घर जा, ये आज अस्पताल जाएंगे। मैं कहता छोड़ दो मुझे, जानते नहीं मैं कौन हूँ। आप जैसे देश भगत को कौन नहीं जानता। ठंडो भाई हो जाए गरम। हो गया। अरे भाग्य कहाँ हो देश भगत, कुछ तो लेते जाओ। ठंडी ठार लस्सी, जलवे तार लस्सी, पीछा क्या लस्सी। अरे कालू इतने निर्दय ना बनो, गरीब आदमी को सराफत से मारना चाहिए। आइए बाबूजी छांव में आइए, आइए ना, आइए आइए आइए। चलो अब बताइए बाबूजी आपकी क्या सेवा की जाए, लस्सी मीठी पिएंगे या नमकीन? अरे इस नमक हराम को नमक हजम नहीं होगा, इसे मीठी ही चलेगी। ऐसा तो फिर हो जा गरम। अब हम चले बाबूजी, आशा है कि आइंदा आप हमें ऐसी सेवा करने का मौका नहीं देंगे। चल छंडू। कोई बात नहीं, अब मुझे कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आज बड़े मूड में हो, आखिर बात क्या है? सुनोगे तो जल जाओगे, मुझे 300 रुपए की नौकरी मिल गई है, 300 की। अच्छा बड़ी खुशकिस्मत हो, बीए पास करते ही नौकरी मिल गई, और यहाँ तो वकालत पास करके अभी तक एक छोकरी नहीं मिली। छोकरी की माँ से बात करो ना। वो खुद क्यों नहीं कर लेती अपनी माँ से बात? शर्म आती। तुम मुझे बेशर्म समझा है क्या? बेशर्म ना सही, वकील तो हो। क्या कहा? अरे अरे छोड़ो मेरा हाथ। सूरज मुझे एक बात सुझिए, तुम अपने बूढ़े नौकर से क्यों नहीं कहते कि वो मेरी माँ से बात करे? किरण फिर से कभी उन्हें नौकर नहीं कहना, मैं अपने पिताजी से कम इज्जत नहीं करता उनकी। तो फिर कौन है वो? ये तो मैंने कभी नहीं पूछा उनसे, मगर बड़े दुखी मालूम होते हैं बेचारे। बरसों पहले ना जाने क्यों दरिया में डूबकर जान देने लगे थे, मगर मेरे पिताजी ने बचा लिया। उसी जमाने से हमारे साथ रहते हैं और मुझे बेटे से कम नहीं चाहते। बड़ा अरमान है उन्हें मेरे ब्याह का। कहते हैं बुजुर्गों का अरमान पूरा करने में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा तो चलो फिर बाबा के पास। बाबा। कौन? सूरज क्या बात है बेटा? किरण अंदर आओ ना। नमस्ते बाबा। सुखी रहो। बाबा एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। बात यह है कि वो तुम ही कहो ना। तुम कहो ना। समझ गया, बिन कहे ही समझ गया, मुझे सूरज और किरण की जोड़ी बहुत पसंद है। मगर बाबा किरण कहती है तुम्हें इसकी माँ से बात करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहती बाबा, यही कहते हैं। सो तो ठीक है, पर बेटा तुम तो जानते हो मैं बाहर कहीं आता जाता नहीं। बेटी तुम खुद ही अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? कैसी बात करते हैं बाबा, मैं अपने मुँह से कहूँ तो माँ मुझे पीटेगी नहीं।
अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी माँ मुझे नहीं पीट सकती। आप तो बड़े हैं और मेरी माँ आपसे छोटी, भला छोटी बहन बड़े भाई को कभी पीट सकती है? सच कहती है बेटी, सच कहती है। तो फिर कब जाओगे बाबा? जाऊंगा बेटा, जाऊंगा। अब जाए बगैर छुटकारा कहाँ। दानेदार लड्डू, जलवेदार लड्डू, खाजा यार लड्डू, ठंडू हो जा गरम। हो गया। अरे क्या हो गया, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। कालू मामा, मोहल्ले में बांटने के लिए इतने सारे लड्डू। किरण बेटी, पूरे 300 रुपए की नौकरी लगी है तुम्हारी, कम से कम 300 लड्डू तो होने चाहिए। मैंने कहा जी, लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं। चीज नियत से अच्छी बनती है गौरी देवी। तुम्हारे बाप ने भी लड्डू बनाए थे तुम्हारी शादी में, बरातियों के दांत टूट गए लेकिन लड्डू नहीं टूटे। क्यों ठंडो? अरे हूँ हूँ क्या कर रहा है, कुछ मुँह से फूट। मुँह से क्या फूटे, इसके मुँह में तो लड्डू फूट रहे हैं। ऐसा? अबे उल्लू, मैंने तुझे हाथ चलाने के लिए कहा था और तू मुँह चला रहा है। निकाल लड्डू, निकाल। करो कालू, आज तो मुझे अपनी किरण की इतनी खुशी है, अगर मेरा बस चले तो सारे शहर में लड्डू बांटूं। ऐसा? तो फिर हो जा गरम। क्या मुंह लेकर मिलोगे लाजो से? तुमने उसे जिंदगी में दिया ही क्या है, जहालत, मुसीबत और दर दर की ठोकरें। वक्त के मरहम ने उस बदनसीब के जिन जख्मों को भर दिया है, तुम उन्हें फिर से कुरेदना चाहते हो। और फिर हिम्मत भूलो कि तुम्हारे दामन पर खून का धब्बा लगा हुआ है, खून का। तुम उन्हें मुसीबतों के सिवा कुछ ना दे सकोगे शंभू। अगर तुम अपनी बहन और भांजी का भला चाहते हो तो चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ शंभू, चले जाओ। बेटा सूरज, मेरी जिंदगी का बस यही एक राज था जो मैंने आज तक सबसे छुपाए रखा। तुम्हें छोड़कर जाने का मुझे बहुत दुख है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। आप ही का नाम किरण है ना? जी, कहिए। देखिए, मैं ठाकुर साहब का आदमी हूं, उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बुलवाया है। इस वक्त मेरी माँ घर में नहीं, उनसे कहिए मैं कल आ जाऊंगी। कल तो किसी काम से बाहर जा रहे हैं, बहुत दिनों के लिए। हाँ बेटी, नौकरी का मामला है, आज की बात कल पर नहीं छोड़नी। और फिर गाड़ी में तो आना जाना है, देर भी क्या लगेगी। हाँ। अच्छा आंटी, गाड़ी रुकी, मेरी माँ। Thank you.
ड्यूटी दरवाजा बंद करने की है, खोलने की नहीं। देखो मामला बहुत खतरनाक मालूम होता है, पुलिस को फौरन टेलीफोन कर देना चाहिए। आओ मेरे साथ। नहीं, मेरी बेटी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लीजिए, खुल गया दरवाजा। जी आपने तो आज तक हमें कभी दावत नहीं दी, लेकिन हमने आज आपको अपना मेहमान बना ही लिया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ तक भी गिर सकते हो। हटो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। घबराइए नहीं, मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। बस खत्म हो गई गालियां, मगर ये वो नशा नहीं जिसे गाली उतार दे। करना उस पर तरस नहीं तो और क्या है? बचाओ, बचाओ! अब शोर मचाने से क्या फायदा, यहां से तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। कौन? किशोर। किसने यहां आने दिया तुम्हें? कौन हो तुम? अगर ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो शर्म से जमीन में गड़ जाओगे। अपने ही घर की इज्जत पर हमला करने से पहले डूबना मरे तुम। ना घर क्या बकती हो, आखिर तुम हो कौन? अभी तक आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, पहचाना नहीं अपनी भाभी को। भाभी? हाँ, तुम्हारी लाजो भाभी, वही भाभी जिसने तुम्हें माँ की तरह प्यार किया। किरण तुम्हारे उसी भाई की बेटी है जिसे तुम अपने बाप की जगह समझते थे। आज सभी रिश्तों को भूल गए। रिश्ता? कैसा रिश्ता? चार दिन किसी के साथ रहने से रिश्ता हो जाता है क्या? मैं तो यतीम था और यतीम हूं। हाँ, अगर चाहो तो अब रिश्ता हो सकता है। कमीने! शुक्र करो कि तुम औरत हो, और औरत पर हाथ उठाना किशोर के उसूल के खिलाफ। विजय! किशोर! किशोर! तुझे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। मेरी जिंदगी और मौत में भी थोड़ा फासला रह गया है। अब किसकी जिंदगी और मौत में थोड़ा फासला रह गया है? ला, इधर ला, ये तेरे बस का रोग नहीं। मालूम होता है तेरी मौत मेरे ही हाथ से लिखी है। तुझे याद होगा एक बार तू अनजाने में मेरे हाथों मर चला था, लेकिन आज अगर तू होश में ना आया तो मुझे जानबूझकर तुझे गोली का निशाना बनाना पड़ेगा। गोली? गोली मारने के लिए कलेजा कहाँ से लाओगी? शायद तूने माँ का कलेजा नहीं देखा। माँ अपनी औलाद की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेल सकती है।
बंद करो ये बकवास, लाओ इधर पिस्तौल। किशोर, किशोर आगे मत बढ़ो, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो किशोर, किशोर अपने बारे में आगे मत बढ़ो, किशोर, किशोर, किशोर। मासूम लड़की की इज्जत बचाना जुर्म है तो मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। किशोर का खून मेरे हाथों से हुआ है, अब अदालत जो भी फैसला करे मुझे मंजूर। मिलर्ड, मुलजिम एक इखलाकियार लेकर अपने जुर्म की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा, वरना मुलजिम का सबका रिकॉर्ड बताता है कि वो एक आदि मुजरिम है जो इससे पहले भी खून के जुर्म में 7 साल की सजा काट चुका है। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अदालत की तरफ से वकील का इंतजाम हो सकता है। मिलॉर्ड, मुल्ज़िम का वकील मैं, मुझे मुल्ज़िम की तरफ से केस लड़ने की इजाजत दी जाए। इजाजत? मिलॉर्ड, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मुल्ज़िम एक खानदानी और शरीफ आदमी है जो किसी भी हालत में एक बेगुनाह का खून नहीं कर सकता। मेरे दोस्त को यह जानकर अफसोस होगा कि उनका मुवक्किल अपने खूनी होने का इकरार कर चुका है। मगर वो खून किन हालात में हुआ मैं उसी पर रोशनी डालना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मरने वाले के जलील इरादों ने एक शरीफ आदमी को गोली चलाने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए कि अगर मुल्ज़िम शंभू ऐन मौका पर पहुंचकर अपना इंसानी फर्ज अदा ना करता तो दुनिया की कौन सी अदालत, कौन सा कानून उस बदनसीब लड़की की लुटी हुई इज्जतों से वापस दिला सकता था जो कि इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। मिलॉर्ड, ऐसी हालत में किसी भी शरीफ आदमी का खून खौल सकता था और फिर मुल्ज़िम का तो उस लड़की से खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? जी हाँ, किरण नाम की वो लड़की मुल्ज़िम की भांजी है और मुल्ज़िम शंभुनाथ उसकी माँ लाजवंती का सगा भाई है। मैं क्या देख रही हूँ? मिलॉर्ड, यही है मुल्ज़िम की वो बहन जो बेचारी उसी दिन से हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी। हुजूर, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, ये निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। खून मैंने किया है, खूनी मैं हूँ। मैं सच कहती हूँ हुजूर, मेरा भाई मुझे बचाने के लिए मेरा दोष अपने सर पे गलत है। बिल्कुल गलत है, बरसों से बिछड़ी बहन को भाई की मोहब्बत ने दीवाना कर दिया है। भैया, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार है तो मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि ये खून तुमने किया है। ये झूठ है, ये बिल्कुल
मैं दरखास्त करता हूं कि जज्बात को अदालत का वक्त जाया करने की इजाजत ना दी जाए। मुकदमा बिल्कुल साफ है, मुलजिम मुजरिम साबित हो चुका है, इसलिए इसे सजा का हुक्म सुनाकर इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाए। फैसला ज्यूरी की राय के बाद सुनाया जाएगा। कत्ल के इस अजीब व गरीब मुकदमे में भाई बहन के जज्बाती बयान और एक दूसरे को बचाने की कोशिश ने थोड़ी देर के लिए अदालत का कलम रोक दिया था। गायब का हाल खुदाई अदालत के सिवा और कोई नहीं जान सकता। इंसानी अदालत का इंसाफ तो सिर्फ कानून और शहादत की बुनियादों पर है। चुनांचे शहादत और वाकयात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम शंभुनाथ ने किशोर का खून किया है, मगर उसके साथ यह भी साबित होता है कि मुल्ज़िम ने जानबूझकर यह कदम नहीं उठाया, बल्कि मकतूल किशोर के हाथों वह अपनी नौजवान भांजी की इज्जत बचाने की खातिर ऐसा कर बैठा। इसलिए अदालत ज़ेर दफा 304 ताज़ीरात हिंद की रूह से मुल्ज़िम शंभुनाथ को सिर्फ 5 साल कैद बामशक्कत का हुक्म सुनाती है। ये तुमने क्या किया भैया, ये तुमने क्या किया? बरसों के पिछड़ क्या इसी दिन के लिए मिले थे? इस दिन ना मिलते तो अच्छा था। रो मत लाजो, मत रो। जानते हो भैया, आज राखी का दिन है, जबकि मैंने अपने भाइयों को राखी बांधती है, उनके लिए दुआएं मांगती है, मगर मैं कितनी बदनसीब हूं जो अपने ही भाई के सामने खाली हाथ खड़ी। मुझ जैसा नलायक भाई तुम्हारी इस प्यार भरी कोमल राखी का हकदार। भैया, आपको बातें करनी हो तो अदालत से बाहर कीजिए। चलिए। जो अन्याय मैंने तेरे साथ किया है उसके लिए 5 साल तो क्या, अगर मुझे मौत की सजा भी मिल जाती तो मुझे अफसोस न हो। ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। सोने और चांदी के घमंड में अगर मैंने तुझे विद्या जैसे अनमोल गहने से खाली न रखा होता तो तेरी जिंदगी बर्बाद न होती। नहीं शंभुनाथ, ये सब आग मेरी नासमझी की लगाई हुई है। बीती बातों को भूल जाइए पिताजी, जो होना था सो हो ही गया। मैं तो अब भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, जो बात मुझे ले डूबी वो किसी के साथ न बीते। वक्त बहुत हो चुका है, चलिए। राजू, जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर गांव में बचा खुचा मेरा कुछ रह गया हो उसे बेचकर एक स्कूल बनवा देना। हाँ भैया। अच्छा ठाकुर साहब, बीती रहो मेरी बच्ची। सूरज भैया,
बंधुवाले मेरे वीर, बंधुवाले रे चंदा राखी, बंधुवाले मेरे कालू, अब तो ठीक है ना? बस चौधरी जी, अब लगे हाथों गांव में एक मंदिर भी बनवा लीजिए। ये स्कूल भी तो मंदिर ही है, विद्या के बगैर तो इंसान भगवान को भी नहीं पहचान सकता। कालू भैया, छुट्टी का समय हो गया है, घंटी बजवा दो। ठंडो हो जाए, गरम हो गया। अरे मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बैठे क्यों हैं? जाओ अपने अपने घर, हो जाओ गरम।